ऑलराइट गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ एक अमेरिकन रैपर, सिंगर, रिकॉर्ड प्रोड्यूसर और सॉन्ग राइटर गैजी गार्सिया के बारे में। लेकिन दोस्तों, प्रोफेशनली वो जाने जाते हैं लिल पंप के नाम से। तो चलिए दोस्तों, फिर जल्दी से ही वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, गैजी का जन्म 17 अगस्त 2000 में फ्लोरिडा के मायामी शहर में हुआ था, जहाँ पे वो अपने पेरेंट्स के साथ रहा करते थे। और दोस्तों, अगर मैं बात करूँ उनके पेरेंट्स की, तो उनके पेरेंट्स कोलंबिया से बिलोंग करते थे। लेकिन जब गैजी की उम्र 6 साल हुई, तो उनके पेरेंट्स का डाइवोर्स हो गया और गैजी के बड़े भाई को जन्म देने के बाद उनकी माँ उन्हें छोड़ के चली गई। आगे चल के जब उनकी उम्र 13 साल हुई, तो उनके एक कज़न लिल ओमिनस ने उनकी मुलाकात एक रैपर और सॉन्ग राइटर स्मोक पर्प से करवाई और वे दोनों आगे चल के काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए। अगर मैं बात करूँ उनके एजुकेशन के बारे में, तो कई स्कूलों से निकाले जाने के बाद फाइनली अपॉर्चुनिटी हाई स्कूल में एडमिशन दिया गया। लेकिन वहाँ पे भी जब वो 10th ग्रेड में आए, तो स्कूल में लड़ाई झगड़े करने की वजह से उन्हें निकाल दिया गया, जिसके बाद उन्होंने दोबारा किसी स्कूल में एडमिशन नहीं लिया। और अगर मैं बात करूँ उनके करियर की, तो उनके करियर की शुरुआत सन 2016 में हुई, जब गार्सिया ने स्मोक पॉप के साथ मिलके अपना पहला सिंगल लिल पंप रिलीज किया। और इसके बाद उन्होंने कई सिंगल्स रिलीज किए, जैसे कि एलिमेंट्री, इग्नोरेंट, गैंग शिट और ड्रमस्टिक। उस दौरान उन्होंने ये अनाउंस किया कि वो अपनी फर्स्ट एल्बम पे काम कर रहे हैं। लेकिन अपनी एल्बम रिलीज करने के बजाय उन्होंने अपना एक और सिंगल गुची गैंग रिलीज किया। और दोस्तों, इस सिंगल ने उनके म्यूजिक करियर को काफी अच्छा खासा बूस्ट दिया और बिलबोर्ड के हॉट 100 चार्ट्स में ये गाना नंबर 3 रैंक पे रहा। और दोस्तों, इतना ही नहीं, इसी गाने को RIAA की तरफ से गोल्ड और प्लैटिनम सर्टिफिकेशन दिया गया। और मैं बात करूँ आज की, तो आज इस गाने को ट्रिपल प्लैटिनम सर्टिफिकेशन मिल चुका है। लेकिन अक्टूबर 2017 में उन्होंने अपनी पहली एल्बम लिल पंप के नाम से रिलीज की और उसके कुछ ही समय बाद उन्होंने अपनी दूसरी एल्बम हार्वर्ड ड्रॉपआउट भी रिलीज की। और दोस्तों, अगर मैं बात करूँ उनके पर्सनल लाइफ के बारे में, तो वो कई बार लीगल इश्यूज में भी पड़ चुके हैं, जिस वजह से आज तक वो 5 बार अरेस्ट भी हो चुके हैं। और दोस्तों, अगर आप उनके अरेस्ट होने का रीज़न जानना चाहते हैं, तो आप हमारी वेबसाइट www.factinfo.in पे विजिट कर सकते हैं, या फिर उस पोस्ट के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और फाइनली, अगर मैं बात करूँ उनके नेटवर्थ के बारे में, तो इस समय उनका नेटवर्थ अराउंड $6.5 मिलियन है, जो कि काफ़ी कमाल की बात है। तो दोस्तों, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।